अपने देश में लागू करने चले हैं, जिस तरह गुजरात के संसाधनों का उपयोग अदानी और अंबानी के द्वारा इन लोगों ने कराया, वैसा ही उपयोग, वैसा ही रिसर्च ये इस देश पर कर रहे हैं और देश को गर्व बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे गुजरात वाले मॉडल का प्रयोग पूरे देश पर मत कीजिए, देश को बेचने का काम कर मत कीजिए, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। चाय बेचने वाला आया और पूरा देश बेच के चला गया, बताइए। चाय बेचने वाला है, पूरा देश बेच के चला गया। 15 लाख का सूट पहना चाय बेचने वाले को सूट जचेगा? अरे देश के अंदर बताइए, 15 लाख का सूट धारण किए होंगे, देह जल जाना चाहिए था उस समय। आम जनता की कारी कमाई को 15 लाख का सूट पहने देह जल जाना चाहिए था, जिस तरह 15 लाख का सूट पहने होंगे, बताइए। आम जनता की कारी कमाई को लूट कर इस देश के जो शीर्ष पर बैठे नेता है वो 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस सांसद ने भरे सदन के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बारे में जो बातें कही हैं दोस्तों, उन बातों को सुनने के बाद बहुत सारे अंधभक्तों के पेट में दर्द पैदा हो जाएगा। भरे सदन के अंदर जितनी भी बातें यहां पर कही गई हैं वो बातें आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। किस तरह से भरे सदन के अंदर काले धन को लेकर, गरीबों को लेकर, अंबानी और अडानी को लेकर इन सांसद ने मुद्दा उठाया है, जिसके बाद से गोदी मीडिया भी बौखलाया हुआ। दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ना किसी देरी के, और आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा कि माननीय सदस्य ने किस तरह से यहाँ पर वाजिब सवाल उठाए हैं। गुजरात वाला मॉडल पूरे देश में लागू करने चले हैं, जिस तरह गुजरात के संसाधनों का उपयोग अदानी और अंबानी के द्वारा इन लोगों ने कराया, वैसा ही उपयोग, वैसा ही रिसर्च ये इस देश पर कर रहे हैं और देश को गर्व बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे गुजरात वाले मॉडल का प्रयोग पूरे देश पर मत कीजिए, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मत कीजिए, बेचने का काम कर रहे हैं। चाय बेचने वाला आया और पूरा देश बेच के चला गया, बताइए। चाय बेचने वाला है, पूरा देश बेच के चला गया। 15 लाख का सूट पहना चाय बेचने वाले को सूट जचेगा? अरे देश के अंदर बताइए, 15 लाख का सूट धारण किए होंगे, देह जल जाना चाहिए था उस समय। आम जनता की कारी कमाई को 15 लाख का सूट पहने देह जल जाना चाहिए था, जिस तरह 15 लाख का सूट पहने होंगे, बताइए। आम जनता की कारी कमाई को लूट कर देश के जो शीर्ष पर बैठे नेता हैं, वो 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। अगर आस्था रखते हैं और वोट से के अगर आप पुजारी नहीं है तो गांधी के बताए रास्ते पर चलिए और इस चल के इस भारत वर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात आप कर रहे हैं, उन अंग्रेजों की तरह मत कीजिए कि सूट फूट पहन कर आए और लूट के चले गए। चाय बेचने वाला का कपड़ा 15 लाख का सूट फूट पहन के आया, देश को बेच रहा है, बताइए। चाय बेचने वाला निश्चित रूप से हमारे साथी सरौगी जी बोलकर निकल गए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिसमें एक ये भी कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। डब्लू बाबू ने अपनी बातों से उनको बताया कि कौन मिर्जा है होली खेल रहा है। आरा के वो मिर्जा है जो होली खेल रहे हैं, औरंगाबाद के NTPC के माल का, तो ये बताया उन्होंने आपको। निश्चित रूप से इस चीज का गुमान आपको नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जिक्र किया। माननीय महोदय, आपको यह भी समझना चाहिए कि यूपीए सरकार की योजना थी जिसका नाम केवल बदलकर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी जिसका नाम बदलकर आप उसका वाहवाही लूटने की कोशिश में। और ऐसा ही नहीं, ऐसी 32 योजनाएं हैं जो यूपीए सरकार के द्वारा प्रदत्त रही और उनका नाम बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। योजनाओं की एक लंबी सूची है, बताइए। ये जो आप ढोल पीट रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, माल तो यूपीए सरकार का था और आप होली खेलने के चक्कर में लगे हैं, तो ये भी समझिए। कोई भी शाख किसी की मिल्कियत नहीं होती, जहां परिंदा बैठ जाए वही ठिकाना होता है। आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब, आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब। हमें तो हर घर तक बत्ती जलाना है, उस ओर हमारी सरकार अग्रसर है और हर गांव में हर घर तक बत्ती पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। डाटा दिया उन्होंने 2022 का, अगस्त 2022 का। सरौगी जी को इतना सोचना चाहिए था कि 2022 में तो आप भी महाराज सरकार में थे और उस समय इतना क्यों कम आपका रेटिंग आ गया? आप भी सरकार में थे, आपका भी दायित्व बनता है, आप उस दायित्व से भाग कैसे सकते हैं? आपको समझना चाहिए।
और आप तो दायित्व से भागे ही, सदन से भी भाग गए बोल के। कम से कम सुनने की क्षमता रहनी चाहिए थी। जहां तक बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों में जब बसती है तो गांव के लोगों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य महागठबंधन की सरकार हो, चाहे हमारी यूपीए की सरकार हो, जिस समय ये योजनाएं बनी तो गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और उसमें हम सफल भी हुए। गुजरात वाला मॉडल पूरे देश में लागू करने चले हैं। जिस तरह गुजरात के संसाधनों का उपयोग अदानी और अंबानी के द्वारा इन लोगों ने कराया, वैसा ही उपयोग, वैसा ही रिसर्च ये इस देश पर कर रहे हैं और देश को गर्व बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं आप। अरे गुजरात वाले मॉडल का प्रयोग पूरे देश पर मत कीजिए, देश को बेचने का काम बताइए। गुजरात वाला मॉडल काम कर रहे हैं है? चाय बेचने वाला आया और पूरा देश बेच के चला गया। बताइए, 15-15 लाख का सूट पहना, 15-15 लाख का सूट पहना, चाय बेचने वाले को सूट जचेगा? अरे देश के अंदर बताइए, 15 लाख का सूट धारण किए होंगे, देह गल जाना चाहिए था उस समय। आम जनता की गाड़ी कमाई को 15 लाख का सूट पहन के देह गल जाना चाहिए था जिस समय 15 लाख का सूट पहने होंगे वो। बताइए, आम जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर इस देश के जो शीर्ष पर बैठे नेता है वो 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं। कुछ बजट पर भी बोलिए, बजट पर भी बोलिए। इस बात को समझिए, हर खेत को पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, ट्रांसफार्मर देने का काम सिंचाई के लिए हमारी सरकार कर रही है, उसका लाभ लीजिए और खेती करिए। केवल नगरों में बसकर नगर के लोगों को केवल देखकर काम मत चलाइए। ये बीजेपी के लोग केवल नगर पर आधारित मत रहिए, गांव पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप लोगों ने जो अच्छे दिन का वादा जो किया, एक मूवी में एक सीन था, गंगा बोल मूवी में नाली में कूदा दिया, तो वही कहानी है। आप लोग का अच्छे दिन का वादा करके आप लोग देश को नरक में ले जाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको वाहवाही चाहिए। कोई एक ऐसा काम बताइए जो आप लोगों का अपना हो, चाहे वो अमृतकाल की बात आप करते हैं, वो भी आपका अपना नहीं। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने यूपीए सरकार से अडॉप्ट की और उसका वाहवाही लेने के चक्कर में आप लगे हुए हैं। तो एक बार जब अपना भाषण दीजिए तो जरूर यूपीए सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। आप लोग तो माफी वीर हैं, यूटर्न वीर हैं, जीएसटी का विरोध किए, जीएसटी ले आए हैं, नोटबंदी का विरोध किए, नोटबंदी ले आए, काला धन लाने का वादा किए, काला धन कहां गया किसी को पता नहीं है। एक गांधी थे सूट बूट छोड़ के, अच्छे वकील थे, बैरिस्टर थे, सूट बूट छोड़ के धोती लंगोट पर चले आए, लाठी लेके आए और भारत को आजाद करा दिया। और एक हमारे चाय बेचने वाले हैं, फकीर थे, अब सूट बूट पहन लिए और पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ओहो, अंबानी इसका एग्जांपल है आपके लिए। और गांव को बेचने का काम, गांव को किसका पैसा एसबीआई में जमा होता है, किसका पैसा एलआईसी में जमा होता है, थोड़ा बताइएगा हमको। गरीब व्यक्ति अपना पेट काट काट कर एलआईसी में पैसा जमा करता है, एसबीआई में पैसा जमा करता है और उस पैसे को आप लोग अदानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा इस पर भी विचार कीजिए कि गांव का लोगों का आपने क्या हाल कर दिया। महोदय, इसलिए बोल रहे हैं कि ऊर्जा विभाग 80% आबादी गांवों में बसती है और उन गांव के लोगों का आपने कैसे जीना मुहाल कर दिया और हमारी सरकार ने बिजली बत्ती पहुंचाकर लोगों के जीवन को आसान किया। ये अंतर समझाने का मैं काम कर रहा हूं, आप लोगों को समझिए इस अंतर को समझिए। इस देश में केवल ऊर्जा केवल ताप विद्युत घर से ही नहीं है। इस देश की नौजवानों की ऊर्जा को बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं। धर्म की चाशनी में लपेटकर
धर्म की चाशनी में लपेटकर इस देश की ऊर्जा को बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं। अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, और शिव की क्या होगा, भी पानी है आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पानी है, ये पानी का मजहब क्या होगा, कम मजहब क्या होगा, परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है क्या हवा भी नहीं चलाओगे, धर्म की चाशनी हवा भी नहीं चलाओगे, देश को बांटने का काम किया है। जहां तक ऊर्जा विभाग संबंध में जो बातें हैं, निश्चित रूप से मैं इस बात की तारीफ करूंगा, इस सरकार की तारीफ करूंगा, इस सरकार की तारीफ करूंगा, बातों को कम से कम सुनने का धैर्य होना चाहिए। जब आपने बोला तो मैंने उसमें टीका टिप्पणी नहीं की थी, कम से कम बातों को सुनिए। विनय बिहारी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बातों को सुनिए। जब हम लोगों ने सुना और हमारे तो स्पीकर साहब ने विजय चौधरी जी ने वाहवाही भी दी, तो हम लोगों की बातों को भी सुनिए। सच थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन सच सच ही होता है, इसलिए सुनिए सुनिए। विद्युत आपूर्ति की अवधि जो गुणवत्ता थी, आप बोलिए बोलिए अपना बोलिए, जो गुणवत्ता थी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई। शहरों में 23 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, गांवों में 21 से 22 घंटे आपूर्ति की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे ऊर्जा मंत्री जी को, जिन्होंने ये विजुअलाइज किया। जो देश तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नोटबंदी का विपक्ष ने विरोध किया कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नोटबंदी हुई। फिर जीएसटी नहीं आनी चाहिए, जीएसटी लेकर आए, लेकिन जिस चीज का इन्होंने वादा किया वो चीज अभी तक नहीं आई। वादा किया गया था कि काला धन वापस लेकर आया जाएगा, हमारे इंडिया का सारा पैसा वापस आएगा, काला धन हम लेकर आएंगे, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। वादा किया गया था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दिए जाएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। वादा किया गया था अच्छे दिन लेकर आएंगे, जिस तरह से माननीय सदस्य ने यहां पर एक फिल्म की सीन का एक वाक्या सुनाया कि गंगा छोटी गंगा बोलकर नाले में कुदा दी, उसी तरह से अच्छे दिन का झांसा देकर बुरे दिन के अंदर ढकेल दिया। अब इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक देखा है, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।